राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर किए हमले का समर्थन किया है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसे कांग्रेस ने 70 वर्षों में बनाने में मदद की थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा को मंगलवार को युवाओं के भविष्य पर आक्रमण करार दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल में जनता के पैसे से बनी देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को उपहार के रूप में दे रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के समर्थन में उतरे सीएम अशोक गहलोत। उतरे हैं और लगातार उनका साथ भी दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नेहरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत उतरे हैं और क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए आयुषी, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं युवाओं के बीच में, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे वो संसद। लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हित में काम करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया, उसका समर्थन यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार जो आवाज उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के हित में और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको उजागर करने का काम यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं और उन्हें एक विपक्ष की पुरजोर तरीके से वो भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने को लेकर जो चिंता व्यक्त की है वो कहीं ना कहीं जायज है और कांग्रेस ने 70 वर्षों में बनाने की मदद की थी, जिन चीजों को देश में खड़ा किया, जो एक बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धियां थी भारत की, उनको कहीं ना कहीं अब बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर यह गलत है और उसी का समर्थन यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार जो एनएमपी की घोषणा मंगलवार को युवाओं के भविष्य पर आक्रमण करार दिया है वो बिल्कुल जायज है और मोदी सरकार को इन तमाम जो कंपनियों को ये जो निजी हाथों सौंप रहे हैं पूरी तरह से गलत है। और राहुल गांधी लगातार देश में विपक्ष की आवाज बन रहे हैं और केंद्र सरकार की जो ये नीतियां हैं जिनसे देश विरोधी नीतियां हैं, विकास विरोधी नीतियां हैं, उनको कहीं ना कहीं उजागर करने का काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया पिंटू सिंह, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।